अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अपने गूगल अकाउंट के अंदर लॉगिन हुई भी हूँ, और आप इसी तरह से गूगल जब अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो आप यहाँ पर 9 बटन्स देखते हैं, जैसे वो जीमेल के अंदर हो या खुद भी। आप यहाँ पर फौरन अपने गूगल ऐप्स को देखते हैं। जब आप गूगल ऐप्स को देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्म्स को सर्च करें। अगर यहाँ पर फॉर्म्स नहीं आ रहे तो आप यहाँ से डॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने डॉक्स को सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 बर्गर मेन्यू, इसको क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने देखिए यहाँ पे फॉर्म्स को क्लिक करेंगे, फॉर्म्स भी आ गए आपके पास। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अगर ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया आपने, जी यहाँ आपका फर्स्ट फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म के अंदर आप अपने यूजर नेम देखिए, मतलब मैं एज अ यहाँ पे लिख रही हूँ टेस्ट डॉक्यूमेंट, टेस्ट पेपर, आप टेस्ट ले रही हैं तो आपने भी टेस्ट पेपर लिख दिया। इसकी ये टाइटल भी आ गया इसका, और यहाँ पर आप फॉर्म की डिस्क्रिप्शन रखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन रखते हैं। साथ ही आप जो है यहाँ पर अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप प्लस के साइन क्लिक करेंगे, आपके प्लस के साइन से पेपर के एडिशन होता चला जाएगा। यहाँ पे आपने फर्ज करने कोई टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट पिक में ऐसी रैंडम टेक्स्ट को उठा लेती हूँ, लॉरम इप्सम, ये मैं ऐसी रैंडम एक टेक्स्ट सिलेक्ट कर रही हूँ और आपको डेमो के तौर पे दिखाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन पूरा वो डाल दिए आपने। अब अगर फर्ज करें कि आप चाह रही हैं कि आपका कोई अपना टेस्ट पेपर में ही कोई डिस्क्रिप्शन है और आप हेडिंग्स डालना चाह रही हैं, तो यहाँ पे आप हेडिंग्स डाल सकती हैं, हेडिंग्स डाल सकती हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकती हैं, मजीद आप टेक्स्ट ऐड कर सकती हैं, उसी टेक्स्ट के अंदर से आप मजीद क्वेश्चन बना सकती हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आपके ऑप्शन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, चेक बॉक्सेज हो सकते हैं, या आपकी डिपेंड करता है कि आप चाह रही हैं कि बच्चों से फाइल अपलोड करवा रहे हैं तो फाइल अपलोड करवा सकती हैं। चाहिए अब फर्ज करें मैंने मल्टीपल चॉइस कर दी, सिर्फ अगर हम इन फर्स्ट को चेक कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस ये आंसर आ गया ABC, मैं आंसर करूँ CEFG। मैं ये इसे पर डेमो के तौर पर क्योंकि बना रही हूँ। अजिया यहाँ पे देख रहे हैं आप रिक्वायर्ड का मतलब कि अगर आपने रखा है कि ये रिक्वायर्ड है, आंसर इज वेरी मस्ट, तो ये रिक्वायर्ड को आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे चली जाइए। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे आपके कौन से ऑप्शन काम के हैं और कौन सी इमेज आप लगाना चाहती हैं किसी क्वेश्चन में। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आप इमेज लगाना चाह रही हैं, फर्स्ट करने के एक मैं इमेज गूगल सर्च से उठा लेती हूँ और सीनरी देखते हैं, कोई गूगल सर्च से सीनरी देता है क्या हमको, तो आपने गूगल सर्च से सीनरी उठा ली, ये आ गई सीनरी। अब मैं इसको इंसर्ट कराती हूँ किसी इमेज को नेक्स्ट पेपर में, ये देखिए। अब मैं इन बच्चों को चाह रही हूँ कि ये लोग डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब the scenario of this background। ठीक है, अब आप ये बैकग्राउंड का सिनेरियो बना डिस्क्राइब करवाना चाह रही हैं, ये डिस्क्राइब सही है, और इस बैकग्राउंड कर दिया। और इस क्वेश्चन इसका क्वेश्चन टाइप क्या होगा, इसका मल्टीपल चॉइस नहीं है क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप अब इसको मल्टीपल चॉइस ही बल्कि पैराग्राफ रखेंगे। आंसर इज मस्ट, ये आपने मस्ट कर दिया। चले बस दो ही क्वेश्चन रख रही हैं फिलहाल मैं आपको डेमो देने के लिए, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखें टेम्पलेट भी चेंज कर सकती हैं, थीम भी चेंज कर सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि थीम कैसे चेंज करते हैं। याद देखिए आईव्यू से आप अपना प्रीव्यू देख सकती हैं कि आपको किस तरह से पेपर आपका स्टूडेंट्स को दिखेगा, इस तरह से दिखेगा आपके स्टूडेंट्स को पेपर। प्रीव्यू को हमने बंद कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम गए यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं थीम सेटिंग सेट करना चाह रही हूँ, चेंज करना चाह रही हूँ ये थीम्स को, ये देख रही हैं अभी ऑप्शन ये है थीम्स का, चूज थीम्स टू चूज इमेज, कोई सा भी इमेज भी आप ले सकती हैं, और ये इमेज हेडर भी बना सकते हैं हम अपनी मर्जी से। इमेज हेडर से आप स्टूडेंट्स के लिए ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको बनाया इंसर्ट कर दिया, तो आप इस तरह से आपके एक खूबसूरत सा स्क्रीन भी बन आउटपुट आपका लेआउट अच्छा से लगेगा। तो इसके बाद आप और ऑप्शंस, फिलहाल आप सिंपल रखना चाह रही हैं, सिंपल के फॉन्ट साइज बेसिक रखना चाह रही हैं, ये वाले फॉन्ट्स भी यूज कर सकती हैं।
बेसिक ये है, फॉर्मल ये है, सही है इस पेपर के लिए, और भी आपके ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बस मेरा अगर इसमें अगर आपको मसला नहीं हो रहा है या आप चाह रही हैं कि और मैं डिस्क्राइब करूँ तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अभी आप सेट करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करिए, इसका आप URL ये देख रही हैं, ये URL लिंक आ जाता है, इस URL को किया सिलेक्ट और कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप जिस जगह पर अपनी क्लासरूम गूगल का फॉर्म आता था गूगल पे, क्लासरूम खोलेंगे आप अपनी, मसलन के आपकी क्लासरूम ये नीचे है, इधर ही जाएंगे हम गूगल क्लासरूम को देखेंगे, ये भी क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में खोला मैंने, और ये भी मेरी कॉमर्स स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज, यहाँ पर मैंने डाल दिया, आपको पेस्ट कर दिया कंट्रोल भी, ये स्टूडेंट्स को आप जाके अपने पेस्ट करके पोस्ट कर दीजिए बस। अब बच्चे जाएंगे ये गूगल फॉर्म्स को चेक करेंगे, इससे रिजल्ट बनाएंगे। यहाँ पर आप जैसे ही आपके पास एक भी रिस्पॉन्स आता, अभी फिलहाल देखें, अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं है, जब मैं इसके ऊपर जाती हूँ और मेरे बच्चे या स्टूडेंट जब मैं खुद भी कोई रिस्पॉन्स देती हूँ, मसलन मैंने ABC को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने आंसर में कुंजी लिख दिया एंड सबमिटेड। अच्छा आप यहाँ पे ऊपर एक और चीज़ मैं बता दूंगी आपको, सबमिट, अब यहाँ पे मेरा जैसे सबमिट हो गया, ये एज अ स्टूडेंट दिया ना मैंने, आपके यहाँ फॉर्म्स पे देखिए फौरन से वन रिस्पॉन्स आ जाएगा, जितने आपके स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया होगा वो सबके टेस्ट रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, उन रिस्पॉन्सेज को आप एक्सेल शीट में भी व्यू कर सकती हैं। मसलन ये अगर आपको रिजल्ट मांगते हैं, रिजल्ट शीट मांगते हैं, आपने क्रिएट की तो आप क्रिएट कर लीजिए आराम से, और एक्सेल शीट में क्वेश्चंस मेरे क्या है, क्वेश्चन पेपर आपका व्हाट इज योर, पहला पेपर का ये आ गया, सेकंड पेपर का ये आंसर आ गया, और ये स्टूडेंट का नेम वगैरह भी अगर आप देना चाहें तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसके यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट में नेम भी रख सकते हैं हम, या मसलन ये मैंने बंद किया और इसी टॉपिक को मैंने चेंज कर दिया अनटाइटल्ड टॉपिक के बजाय, एंटर योर, बल्कि इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, एक मैंने और ऑप्शन ऐड किया। अच्छा जैसे ही ऐड करते देखें सबसे पहले कि जहाँ हम खड़े हैं उसके नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने लिखा एंटर योर नेम, और वो यह बात है कि ये शॉर्ट आंसर्स में से और ये रिक्वायर्ड है, एंटर योर रोल नंबर भी करवा देंगे इसी तरह से, तो इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स का एंटर योर रोल नंबर, स्टूडेंट्स का रोल नंबर भी आ जाएगा, ये भी शॉर्ट आंसर्स में से है और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। अब ये हम चाह रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी किए हैं लिखे हैं ये टॉप पर आए, तो इसको आराम से आप जो है ना ये एंटर योर नेम को यू पिक किया हमने, पिक करने के बाद ऊपर खिसका के ले गए, ये देख रहे इधर इस जगह जहाँ पे ये चार एरोज आ गए, कर्सर के चार बैन गए एरोज, इसको पिक किया और यहाँ से ले गए, और इसी तरह से यहाँ पे भी पिक किया और ऊपर चले ले गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नेम का आ गया, सेकंड हमारा एंटर रोल नंबर आ गया, और साथ ही आप क्योंकि क्लास भी डलवाना चाह रही तो क्लास भी डलवा ले, जो भी आपकी मर्जी हो, फिर आप इसी तरह से इसको कॉपी कीजिए और अपनी क्लासरूम में पेस्ट कीजिए, बच्चे आराम से अपनी क्लास में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेंड कर लीजिएगा, सेंड करने का दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे आप लिंक को कॉपी करेंगे, लिंक को कॉपी करना चाहें लिंक को कॉपी कर सकते हैं, इसको भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ खाली इसको अगर आपने पूरे को कॉपी किया इसको कॉपी करने के बाद अगर मैं क्लासरूम में पेस्ट करके देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है, ये असल में वेबसाइट के लिए होता है तो इसको ना यूज करिए, ये वेबसाइट्स वगैरह एम्बेड करने के लिए होता है, ठीक है। बस आप लिंक कॉपी कीजिएगा और बस हो जाएगा, चले अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। स्टॉप शेयरिंग।